चिमूर में मनसे तालुका अध्यक्ष एवं उपसरपंच कोल्ले ने पत्र परिषद लेकर अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की। चिमूर पंचायत समिति अंतर्गत 2016-17 में विधिवत ग्राम सभा की ओर से होने वाले कामों की जानकारी तैयार कर पंचायत समिति को भेजी गई, जिस पर पंचायत समिति ने शासकीय मान्यता दी एवं काम किया गया, मगर कामों में अनियमितता हुई है। इस कारण को लेकर इस काम के साथ सभी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले कार्य जांच के दायरे में अटके हुए हैं और पिछले 2 वर्षों से जांच पूरी नहीं हुई, ऐसा आरोप लगाकर सैराट अहवाल प्रस्तुत करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग मनसे तालुका अध्यक्ष तथा उपसरपंच कोल्ले ने पत्र परिषद द्वारा दी है। इस अधिकारी पर कार्रवाई करें, अन्यथा 1 फरवरी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मनसे की ओर से घेराव आंदोलन करने की जानकारी पत्र परिषद में मनसे तालुका अध्यक्ष प्रशांत कोल्ले ने दी। इस पत्र परिषद में सरपंच कलावती जुमना के, अर्चना थुटे, नरेश वलके, अरुण दोड़के उपस्थित थे। चिमूर से हमारे संवाददाता बालू सातपुते की रिपोर्ट। MRGS योजने अंतर्गत विविध ग्राम पंचायती मध्ये विकासात्मक कामे करण्यात आली। सदर पुरवठा धारकांचे बिल मिळावीत म्हणून ग्राम पंचायत कडून पंचायत समितीला बिल सादर करण्यात आली, परंतु सदर कामामध्ये अनियमितता, भ्रष्टाचार असल्याचे कारण पुढे ठेवून आज जवळपास 1 वर्षाचा दीर्घ कालावधी होतो, अद्यापही त्यांना 1 रुपया मिळाला नाही। त्यामुळे पुरवठादार मोठ्या आर्थिक संकटांनी ते सामना करीत आहेत आणि त्यांच्या या न्याय हक्कासाठी म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून 1 फेब्रुवारीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कार्यालयामध्ये घेराव आंदोलन करण्यात येत आहे।